हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हैं साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे 2020 में 12 की बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट यानी ए टू जेड क्लासेस, जहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसी टेस्ट सीरीज में ये कुछ क्वेश्चन हमने डाला था, और उसी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ हूं। तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चनों को देख सकते हैं, घर में इस क्वेश्चनों को जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, और इसमें आप इससे मदद से आप बहुत ही ज़्यादा नंबर्स उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बताई गई है, और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन घर में बैठकर कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें। हम अगर आपका एक जो भी कमेंट आप करते हैं, आपका जो अगर अगर आंसर उसका सही होता है, तो उस कमेंट्स को हमारी तरफ से ऐसे लाइक कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन डाला गया है। ये तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है, यानी उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, युंग ने व्यक्तित्व को कितने तरीके या फिर प्रकारों में बांटा, युंग ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन हमारे पास 2, 4, 3, 5 है ना। तो ये करीब हमारा चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है और बताना है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है, 110 से 140, 70 से 110, 30 से 110 या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में मानसिक आरोग्यशाला कब खोली गई है ना। भारत में मानसिक आरोग्यशाला कब खोली गई, 1920 में, 1928 में, 1942 में, 1945 में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है ना। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, टिचनर, बुंट है ना, वाटसन और जेम्स। ये चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन इसमें से सही है, जो ऑप्शन सही है उसका कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपका कमेंट को अगर लाइक मिलता है तो समझिए आपका आंसर वो सही है। प्राणायाम में सांस का संचालन नहीं था, सही गलत या फिर आपको नहीं पता, तो आप नहीं पता में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पर सही, उस इस पर आप लिखें। अगला लिखते हैं, मनोविलादिता किस प्रकार का मानसिक रोग है, सरल, जटिल, सामान्य, कुछ नहीं। अगला जानते हैं, समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, यहाँ पे गत्यात्मक, स्थिर और सकारात्मक और नकारात्मक, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, किसी एक ही ऑप्शन आपका सही है। लिकट मापनी में कितनी श्रेणियां होती है, 2, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, मनोलैंगिक विकास के कितने स्तर हैं, 2, 3, 4, 5 है ना। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर थी जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन के एक एक नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप पूरी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का तैयारी नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है डायरेक्ट आपका 10 नंबर हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें और हमारे चैनल में आप जुड़े रहें। अगर आपको साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, हम उसके लिए भी वीडियोस बनाकर आपके पास उपलब्ध कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, आप खंड ब की ओर आते हैं। स्व से आप क्या समझते हैं, यहां पर आपके प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं और 6 क्वेश्चन यहां पर पूछे, यानी कुल मिलाकर खंड ब में आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा क्या है। अगला क्वेश्चन, द्रवित विकार से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल छेम पर व्यायाम के प्रभाव का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल क्या है। इन क्वेश्चनों का जवाब में आपको 2 नंबर मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चनों को, और यहाँ पर खंडबो में आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 2020 के 12 क्लास में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और जिनके साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप घर में जाकर प्रैक्टिस करें, अगर इसमें से भी आप किसी का आंसर नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर भी आपको बताएंगे, हम वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु प्रदूषण क्या है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में आप देख सकते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको
आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको तीन तीन मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको तीन तीन मार्क्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर चार क्वेश्चन है, टूल मिलाकर आपको 12 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्राथमिक एवं गौण समूह में क्या अंतर, सॉरी गौण समूह में अंतर स्पष्ट करें, प्राथमिक एवं गौण समूह में अंतर स्पष्ट आपको करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है, स्वतंत्र सहचर विधि से स्वतंत्र सहचर विधि की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं खंड दो पर जो आपको मिलेंगे यहाँ पर 24 नंबर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन यहाँ पर है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको चार चार नंबर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिभाशालिता क्या है, इसकी पहचान कैसी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है अचेतन की अवधारणा की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। 24 नंबर में जो क्वेश्चन है, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, फोबिया के कारण का वर्णन करें। और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला सेक्शन की ओर, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 12 नंबर, और यहाँ पर आपको दो ही क्वेश्चन का जवाब देना है, दो क्वेश्चन लिखना है, 27 और 28 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे ATOZ क्लासेस की ओर जो सेट की गई है, असामान्य व्यवहार की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण परामर्श क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं साइकोलॉजी के कुल मिलाकर 28 ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 2020 के बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप और अभी अपने फ्रेंड जो साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट वाले हैं उसके साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक मदद से किसी की जिंदगी अगर बन सकती है तो बना दें, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।